भारत सरकार का इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम डायल 112 देश के 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आरंभ किया गया था, जिसमें दोनों संघ प्रदेश दमन दीव और दाना भी शामिल है। इस डायल 112 की सेवा से कोई भी व्यक्ति इससे जुड़ी सभी इमरजेंसी सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। फिलहाल दोनों संघ प्रदेशों में डायल 112 सेवा में फायर डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ी सेवाओं की शुरुआत की गई है। वहीं स्वास्थ्य, नगरपालिका और डिजास्टर मैनेजमेंट की सेवा भी इसमें जल्द ही लागू की जाएगी। इस मौके पर सिलवासा के SP शरद दराड़े ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अब से सभी इमरजेंसी सेवा का लाभ उठाने के लिए 112 का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको भी और पुलिस विभाग को भी इस सेवा के जरिए बेहतरीन सेवाओं की सुविधा मिल पाएंगी। इस सेवा में 112 इंडिया नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए लोग इस डायल 112 से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। 112 इंडिया नामक मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है, जिसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर डायल 112 से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। भारत सरकार का इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम डायल 112 प्रोजेक्ट जो है, ये 16 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में लॉन्च किया गया था, जिसमें दादरा नगर हवेली और दमन दीव यूनियन टेरिटरीज भी शामिल है। इसमें 112 नंबर डायल करने पे लोगों को जो है सारी सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। जो भी इमरजेंसी में उनको वो मदद ले पाएंगे। फिलहाल जो हमने ये 112 हेल्पलाइन लॉन्च किया है, ये पुलिस और फायर इन दोनों सर्विसेज के लिए लॉन्च किया है। हेल्थ और बाकी SMC डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इनको इंटीग्रेशन का काम भी अभी CDAC के ज़रिए हम कर रहे हैं। आपके ज़रिए मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि आपकी जो भी ये इमरजेंसीज़ है, इसमें 112 नंबर का वो इस्तेमाल करें। ये टेक्नोलॉजी से अद्यावत टेक्नोलॉजी से लैस ये पूरा सिस्टम है, जिससे लोगों को सुविधा देने में पुलिस को भी मदद मिलेगी और लोगों को भी अच्छी और एफिशिएंट सुविधा इससे मिल पाएगी। सर, एप्लीकेशन भी लॉन्च की है तो क्या? इसमें एक 112 इंडिया ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसके ज़रिए भी लोग इस सेवाओं की मदद वो ले सकते हैं। ये ऐप जो है, ये गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के स्टोर पे भी अवेलेबल है। मैं चाहूँगा लोग इसको डाउनलोड करें, इस पर रजिस्टर करें। इसमें शाउट फीचर के लिए एज ए वॉलंटियर अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। KYC वेरिफिकेशन के बाद वो भी एज ए वॉलंटियर काम कर सकते हैं, जिससे जो विक्टिम है उसके आसपास अगर उनकी पोजीशन है तो उनके मोबाइल पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वो भी लोगों की मदद, जो विक्टिम है उसकी मदद के लिए पास में जा सकते हैं। तो लोग 112 इंडिया ऐप को भी अपने मोबाइल्स में डाउनलोड करें और उसका यूज़ करें। जो है, एक तो पुलिस की सहायता, पुलिस की PCR वहाँ पे पहुँच जाएगी। दूसरा, अगर उनको वहाँ से हेल्थ की एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो एम्बुलेंस के लिए भी कोऑर्डिनेट किया जाएगा। और भी किसी एजेंसी की ज़रूरत है, अगर मान लीजिए बरसात में पेड़ गिर गया है तो हम SMC को बताएंगे या जिला पंचायत को बताएंगे। कोई डिज़ास्टर बहुत बड़ा हो गया तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम को भी हम कोऑर्डिनेट करेंगे, ताकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जितनी भी हमें एजेंसीज की ज़रूरत है उन सारे एजेंसीज को हम सूचित कर पाएँ।